नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस कड़ी से जुड़ते हैं। यह है द्वितीय कांड का 8वां भाग और इसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में धम्म दीक्षा का जो तथागत का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें कुछ चुनिंदा लोगों के धम्म दीक्षाओं पर बात की है। ये बताने के पीछे एक उद्देश्य भी रहा है कि तथागत ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा कि फलां व्यक्ति भिक्खु संघ में आएगा और फलां व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हर एक के लिए भिक्खु संघ के दरवाजे खुले थे, चाहे वो हमारे समाज व्यवस्था में किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए। तो हमने पहले अध्यायों में देखे कि स्त्रियों की धम्म दीक्षा, अछूतों की धम्म दीक्षा जो बिल्कुल निचले स्तर पर, अभी देखिए पतितों और अपराधियों की धम्म दीक्षा। इसका एक छोटा शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, इसमें उन्होंने लिखा है एक आवारे की धम्म दीक्षा। आवारा आप जानते हैं, तो आवारा की धम्म दीक्षा। बाबा साहेब इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था और न दूसरे बड़े बूढ़ों का। अब ऐसे लोग तो हमारे आसपास बिल्कुल देखने को मिलते हैं, आवारा किस्म के लोग, जिसे जो सबके सबको उनके दृष्टि में अनादर ही किया जाता है, और ये आवारे हमारे आसपास बहुत दिखते हैं। तो ये किसी को भी किसी का भी अनादर करते हैं। तो देखिए कि ये अपने न माता पिता का आदर करता था, न घर के बड़े बुजुर्गों का, न आसपास के लोगों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वो सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वो अपने में मस्त रहे। ये जरा अलग किस्म का आवारा था। ये जब भी कोई बुरा काम करता था, जब भी कोई पाप कर्म करता था, तो ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि की पूजा करता था और ये मानता था कि इसके इससे उसे पुण्य लाभ होगा। अब 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अब देखिए ये आवारा भी शांति के लिए ये सब करता था, मानसिक शांति के लिए। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि जो कोई सूर्य अग्नि और पूजा, सूर्य अग्नि और चंद्रमा की पूजा करें और शांति की कामना करें तो कैसे मिलेगी, वो तो मन का भाव है। अगर कोई बेहतर कार्यों की ओर जुड़े तो ना उसको शांति मिलेगी। ये तो पाप कर्म करता था, दूषित कर्म करता था, दुष्कर्म करता था, तो इसको कैसे मिलेगी। फिर देखिए अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। अब इसे कहीं से पता चल गया होगा कि भाई तथागत से मिला जाए और वहां पहुंचने पर ही शायद कुछ हो सकता है। तो वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वो उनके चरणों में ही गिर पड़ा। जब उसने तथागत को देखा, अब ये तो तथागत का सामान्य व्यक्तित्व का आकर्षण था कि उनका व्यक्तित्व सबको प्रभावित कर देता था। उसने जब तथागत के तेज को देखा तो बिल्कुल उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना यह मूर्खता है। आज भी लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो परंपराओं के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर प्राणियों की बलि देते हैं, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तथागत कहते हैं कि पशुओं की बलि देना यह मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्मकांडों से जिनका मन से कोई संबंध नहीं। बाह्य कर्मकांडों का मतलब
जिनका मन से कोई संबंध नहीं। ऐसे बाह्य कर्मकांडों में लगे रहना बिल्कुल व्यर्थ है, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथा है कहीं, ये सारा पागलपन है, ये मूर्खता है, ये व्यर्थ है कि पशुओं की बलि दी जाए, ये बिल्कुल मूर्खता है। फिर वे कहते हैं कि ऐसे कामों में लगे रहना, ऐसे कर्मकांडों में लगे रहना, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता, ये मूर्खता है। फिर उन्होंने गाथा कही, ये गाथा हमें इसमें मिलती है अपने महामंगल सूत्र में। तथागत कहते हैं, पूजा च पूजनीय आनंद एतं मंगल उत्तम। पूजनीयों की पूजा करना ये जीवन का उत्तम है और मंगल है, और ये पूजनीयों का अनादर करता था। तब अब देखिए आगे कि तब उस गांव के रहने वाले विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए, और बच्चों के माता पिता को देखकर उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही कि श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है। तथागत कहते हैं, जो आदमी श्रेष्ठ होता है उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं तो फिर मन से ईर्ष्या निकल जाती है, फिर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। क्योंकि जीवन जब श्रेष्ठ होता है तब उसे समझता है कि ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है और पहाड़ की ऊंचाई कितनी होती है। वरना ऊंट जब रेगिस्तान में ही घूमता रहता है तो उसे बड़ा गुमान होता है कि उससे ऊंचा कोई नहीं। वो जब पहाड़ के पास से गुजरता है तब उसे पता चलता है कि उससे भी ऊंचा कुछ है। तो आदमी जब श्रेष्ठ हो जाता है तो तब उसके मन से ईर्ष्या का भाव निकल जाता है। फिर तथागत कहते हैं, उसका दिमाग खुला हो जाता है, बंद नहीं होता दिमाग उसका, खुल जाता है, और वो खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। वो अंधेरे को छोड़ देता है पीछे, प्रकाश युक्त जीवन का हिस्सा बन जाता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है तब भी वो घबराता नहीं है। जो श्रेष्ठतर जीवन मार्ग पर चलता होता है ना, वो किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है। आप देखते होंगे अपने आसपास बड़ी छोटी छोटी चीजों से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठतम जीवन की ओर चल देता है वो कभी घबराता नहीं है। वह विचलित नहीं होता, लोग विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, वो विचलित नहीं होता। उस समय भी वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है, और वही व्यक्ति सबसे बेहतर जीवन जीता है जो किसी भी कठिनाई में बिना विचलित हुए वहां से मार्ग निकाल लेता है, वहां से रास्ता निकाल लेता है, और अपना मार्ग सही तरीके से चुन लेता है। वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है, वो निर्बुद्ध नहीं होता। श्रेष्ठ आदमी, देखिए तथागत क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। जो आदमी श्रेष्ठ होता है वो सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें बस रोज होती ही रहती है। तो ये जो रोजमर्रा की होने वाली चीजें हैं, इन चीजों में वो आदमी कभी नहीं फंसता। वह न तो धन की इच्छा रखता है, न संतान की, और न जगह जमीन की। जिसको ये समझ में आता है कि यहां से इस दुनिया से कोई भी चीज ले जाने की कोई भी सहूलियत नहीं है, और कोई स्थिति नहीं बनती कि उसने जिन जिन चीजों को संग्रहित कर रखा है वो मृत्यु के बाद अपने साथ उन चीजों को ले जा ले, ये कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो जब ये व्यवस्था ही नहीं है तो जो श्रेष्ठ आदमी है वो ना धन की लालसा करता है, और ना संतान की, और ना जगह जमीन की। तो फिर वो क्या करता है, वह सावधान रहकर, वो आदमी जो बेहतर जीवन जीता है वो क्या करता है, तो वो सावधान रहकर, सचेत रहकर शील का पालन करता है। शील का पालन मतलब सदाचार का, नैतिकता का, नैतिक जीवन बिताने का कार्य वो करता है। वो अपने आचरण से किसी को तकलीफ नहीं देता।
वो शील और सदाचार के साथ आगे बढ़ता है, वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है। उसका जो पथ होता है वो प्रज्ञा का पथ होता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता, और जो सिद्धांत विचित्र हैं उनका वो अनुसरण नहीं करता। ये जो श्रेष्ठ आदमी जो होता है उसकी और एक खूबी बताते हैं तथागत। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और ये जानकर ये संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है। श्रेष्ठ आदमी को इसकी अनुभूति हो चुकी होती है कि ये संसार अनित्य है, यहां हमेशा के लिए नित्य रहने वाली कोई चीज नहीं है। ये संसार कैसा है? बालू पर जमे वृक्ष की तरह। ये संसार एक बालू पर जमे वृक्ष की तरह, बालू का ढेर कभी भी खिसक सकता है, वृक्ष भी कभी भी गिर सकता है, दोनों एक दूसरे के सहारे बस खड़े हैं। बालू भी है तब तक और वृक्ष भी है तब तक, कोई भी इधर उधर कभी भी हो सकता है, और ये हमेशा की बात बिल्कुल नहीं है। ये अनित्यता का सिद्धांत वो समझ चुका होता है। अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर, अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का वो पूरा प्रयास करता है। हमारा ये जो चित्त मित्र है, हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा मन, इस चित्त मित्र को वो क्या करता है? स्थिरता के पथ पर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बड़ा अस्थिर होता है हमारा मन, इसे स्थिरता के पथ पर इसे स्टेबल करने की कोशिश करता है। और ये हमारा जो अपवित्रशील है, लेकिन वो भी हमारा मित्र है क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहता है। हम जो गलत करते हैं वो हमारा मित्र ही तो है, हमारे अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है, तो वो जो बुरा है वो भी तो हमारे पास है, तो वो क्या करता है? ये जो अपवित्रशील मित्र है इसे पवित्रता के पथ पर लाने की कोशिश करता है। मतलब जो हिंसाचारी मन है उसे अहिंसा की ओर मोड़ने का कोशिश करता है, वो जो चोरी की ओर बढ़ने वाला जो मन है उसे चोरी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो जो मन में क्रूरता का भाव है उसे वो मित्रता में बदलने की कोशिश करता है, और ये कोशिश वो हमेशा करता है। तो तथागत कहते हैं कि वही आदमी श्रेष्ठ होता है। हम इस बात को यहां रोकेंगे, आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में, जब आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।